नमस्कार, विद्युनी समाचार में आपका स्वागत है। अमेरिका में भारतीय की हत्या, हमलावर ने कहा मेरे देश से निकल जाओ। अमेरिका में कंसास प्रांत के एक बार में एक अमेरिकी व्यक्ति ने एक भारतीय इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी और दो अन्य को घायल कर दिया। इसके नकली हिंसा की कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतक भारतीय की पहचान श्रीनिवास कुची बोतला और घायल की पहचान आलोक मदासानी और इयान ग्रिल्लो के रूप में हुई है। 32 वर्षीय श्रीनिवास और उनके सहयोगी आलोक मदासानी पर गोली चलाने वाले शख्स ने चिल्लाकर कहा था मेरे देश से निकल जाओ। एक स्थानीय समाचार पत्र के अनुसार इस तरह की खबरें हैं कि आरोपी एडम पुरिंटन ने क्लिंटो मिसौरी में एक बारटेंडर को बताया कि उसने दो मध्य पूर्व लोगों की हत्या कर दी है। घटना के 5 घंटों के बाद आरोपी एडम पुरिंटन को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस घटना पर आज दुख व्यक्त किया है। श्रीमती स्वराज ने अमेरिका में भारतीय राजदूत नवतेज सरना से बात की। सरना ने श्रीमती स्वराज को बताया कि भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी कंसास गए हैं। श्रीमती स्वराज ने ट्वीट करके कहा कि कंसास में गोलीबारी की घटना से मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि मैंने श्रीनिवास कुची बोतला के पिता और भाई के शास्त्री से हैदराबाद में बात की है और मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मृतक व्यक्ति और घायल हैदराबाद और वारंगल के रहने वाले हैं। यह घटना बुधवार रात की है। घटना में एक अमेरिकी भी घायल हुआ है। भारतीय इंजीनियर ओलेथ में गारमिन मुख्यालय में काम कर रहे थे। मदासानी और एक अन्य व्यक्ति इयान ग्रिल्लो को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। गारमिन ने एक बयान जारी करके इस घटना पर दुख जताया है। कुची बोतला के परिवार में पत्नी सुनन्या दुमाला है जो कंसास में ही एक कंपनी में काम करती हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर देश भर के शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह से ही मंदिरों में लगी कतारें। स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने घरेलू सत्र में सर्वाधिक विकेट चटकाने का कपिल देव का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बांग्लादेशी महिला कैदी ने राजकोट सेंट्रल जेल से किया भागने का प्रयास, रस्सी टूटने से पहुंची अस्पताल। जम्मू क्षेत्र के कठुआ सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया, एक गिरफ्तार। सीरियाई नुसरा फ्रंट के 2 आतंकवादी नेताओं पर अमेरिका का प्रतिबंध। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।